यहाँ की सबसे बड़ी समस्या है साफ सफाई की। तो लोग कहते हैं कि जितने पहले नेताओं को हमने मौका दिया, आशीर्वाद दिया, उन्होंने हमारे गुड़गांव को 10 साल पीछे कर दिया। कि भाजपा की नाकामी का प्रमाण यही है, भाजपा के केंद्र के मंत्री जब आ रहे हैं गुरुग्राम शहर के अंदर, उनको क्या मिल रहा है? सदर बाजार का छोटा सा रामलीला ग्राउंड, भीमनगर का रामलीला ग्राउंड। अरे भाई, आप अपनी पद प्रतिष्ठा तो देखिए। आप विधानसभा के एक विधायक उम्मीदवार के लिए प्रचार करने आ रहे हैं और आपको जगह क्या मिल रही है? वही 700-800 लोगों का ग्राउंड, जहाँ पे आप लोगों को 5-5 लाख, मैं कहूँगा 1-1 लाख लोग चाहिए होते थे वहाँ पे। तो ये कहीं ना कहीं ये दर्शा रहा है भाजपा अपनी हार मान चुकी है, तो इसीलिए ये छोटे छोटे ग्राउंड्स देख रही है कि जहाँ पे वो अपनी सिर्फ छोटी छोटी रैलियाँ कर सकें। आज इस चीज पर सवाल उठा रहे हैं कि साहब, आप कहते हो अब की बार, अब हम भी पूछना चाहते हैं आखिर कितनी बार। तो ये एक बहुत बड़ा सवाल बन चुका है। हम तो हमेशा से कहते आए हैं, हम पढ़े लिखे की अगर बात करते हैं, हम कहते हैं पढ़े लिखों की पार्टी है ये, तो इन सारी चीज़ों में नहीं जाएंगे। हम तो ऐसा भी नहीं करते कि उनकी कमियां गिनवाएं। देखिए, कमियां मूलभूत सुविधाओं की हैं जो जनता को मिलनी चाहिए, जनता के लिए आवाज़ ज़रूर उठाएंगे, लेकिन अपनी लाइन बड़ी करेंगे ना, अपने ब्लूप्रिंट के बारे में डिस्कस करेंगे ना, अपनी अच्छी बात बताएंगे ना, अपनी यूएसपीज गिनवाएंगे। 5 तारीख को उनका नाम खराब करके अगर हमें कुछ हासिल होगा तो वो बहुत कम टाइम के लिए और बहुत कम मात्रा में होगा। मार्केट लड़ रही है, यही 14 सेक्टर की मार्केट थी आज से 1 साल पहले, जब ये कूड़े से भरी हुई थी। और क्या रीज़न था कि कर्मचारी हड़ताल पे हैं और सरकार का समन्वय नहीं बन रहा कि वो कूड़ा उठवा पाए या कोई ऑल्टरनेट वहाँ पे प्रोसेस ला पाए या अल्टरनेट कोई ऐसी सिचुएशन ला पाए कि सदर बाजार या फिर 14 सेक्टर जैसी मार्केट यहाँ पर कूड़ा उठाया जा सके। आज जब ये सब लोग उन सारी बातों को याद करेंगे तो आप सोचिए या फिर ये लोग सोचें, क्या वोट डालेंगे? नमस्कार, आप देख रहे हैं नव समाचार, मैं हूँ रमाकांत उपाध्याय। जनसेवक क्रांति पार्टी का डोर टू डोर कैंपेन चल रहा है, अब चुनाव में समय कम बचा हुआ है। हमारे बीच में अंकित तलक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौजूद हैं, जो कि गुरुराम विधानसभा के इस समय प्रत्याशी भी हैं। कैसे दिख रहे हैं अंकित तलक जी? चुनाव का समय धीमे धीमे कम होता जा रहा है और लोगों के पास आप जा रहे हैं जन समर्थन और आशीर्वाद के लिए, कैसा लोगों का रुझान है, कैसे देख रहे हैं? देखिए, लोगों के पास हम जा रहे हैं और लोग अपना समर्थन भी दे रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि लोग आज त्रस्त हैं, लोग विकल्प चाहते हैं, लोग बदलाव चाहते हैं। तो मैं जहाँ जहाँ भी जा रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ लोगों के अंदर आक्रोश भी है, परेशान भी है। और आज हम सेक्टर 14, जो एक जैसे सदर बाज़ार हमारे गुड़गांव का एक मेन बाज़ार है, सेक्टर 14 भी एक मेन मार्केट है, तो यहाँ से ही बहुत रेवेन्यू आता है। यहाँ बहुत दुकानदार हैं जिनकी बहुत सारी समस्याएं हैं। यहाँ की सबसे बड़ी समस्या है साफ़ सफाई की। तो लोग कहते हैं कि जितने पहले नेताओं को हमने मौका दिया, आशीर्वाद दिया, उन्होंने हमारे गुड़गांव को 10 साल पीछे कर दिया। तो गुड़गांव का विकास अभी हुआ नहीं है, ये सिर्फ कागज़ों पे ही बोलते हैं लोग, लेकिन तो गुड़गांव में विकास की ज़रूरत है और लोग चाहते हैं कि कोई नया व्यक्ति आए, योग्य व्यक्ति आए। तो मुझे लगता है लोगों को अंकित तलक एक नया विकल्प नज़र आ रहा है। भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि हम और चौमुखी विकास करेंगे, कांग्रेस पार्टी कह रही है हम आ रहे हैं और प्रदेश के अंदर आ रहे हैं, बहुत अच्छा विकास करेंगे। तमाम ऐसी सामने और दो राजनीतिक पार्टियाँ हैं, एक आज़ाद उम्मीदवार भी है, इन सभी के बीच में अंकित तलक और जनसेवा क्रांति पार्टी जो सेवा के भाव से लोगों के बीच में जा रही है कि हम एक सेवक हैं और आपके काम करेंगे, तो उसमें जनसेवक अंकित तलक कैसे अपने आप को कहां पर देख रहे हैं? देखिए, जनसेवक अंकित तलक अपने आप को लोगों के दिलों में देख रहा है, लोगों के बीच में देख रहा है। और ये जो आपने जिनके नाम लिए हैं, मुझे लगता है ये सारे लोग सिर्फ अपनी नाक और सांख की लड़ाई लड़ रहे हैं और लोगों के हक की लड़ाई कोई नहीं लड़ रहा। पहले टिकट की लड़ाई लड़ते रहे, अब अपने नाक और सांख की लड़ाई लड़ रहे हैं। और इनकी लड़ाई में मुझे लगता है जनता देख रही है कि हमें एक पूंजीपति को चुनना है, एक व्यापारी को चुनना है, या एक पॉलिटिकल इन्वेस्टर को चुनना है, या फिर हमें एक सेवक को चुनना है। तो मुझे लगता है अंकित तलक की लड़ाई इनसे नहीं है, अंकित की लड़ाई अपने आप से है, क्योंकि पहली लड़ाई हमें अपने आप से जीतनी होती है। अगर हम इनके सामने हिम्मत कर रहे हैं, साहस दिखा रहे हैं, तो जनता हमें पसंद कर रही है और जनता इस बार हमें समर्थन भी दे रही है। जहां आप रहते हैं भीमनगर में जी, कल वहां पर नितिन गडकरी पहुंचने वाले हैं आपके क्षेत्र में जी, तो कैसे दिख रहे हैं कि अब वो वहां पर लोगों को साधने का और बांधने का काम करेंगे कि भारतीय जनता पार्टी को वोट करें, और वहीं के रहने वाले पार्टी के जनसेवक पार्टी के अध्यक्ष भी रहते हैं जी, तो वहाँ उन पंजाबी बरादरी को कैसे आप अपनी तरफ समेट के रखेंगे?
देखिए, भाजपा की नाकामी का प्रमाण यही है। भाजपा के केंद्र के मंत्री जब आ रहे हैं गुरुग्राम शहर के अंदर, उनको क्या मिल रहा है? सदर बाजार का छोटा सा रामलीला ग्राउंड, भीमनगर का रामलीला ग्राउंड। अरे भाई, आप अपनी पद प्रतिष्ठा तो देखिए। आप विधानसभा के एक विधायक उम्मीदवार के लिए प्रचार करने आ रहे हैं और आपको जगह क्या मिल रही है? वही 700-800 लोगों का ग्राउंड, जहाँ पे आप लोगों को 5-5 लाख, मैं कहूँगा 1-1 लाख लोग चाहिए होते थे वहाँ पे। तो ये कहीं ना कहीं ये दर्शा रहा है भाजपा अपनी हार मान चुकी है, तो इसीलिए ये छोटे छोटे ग्राउंड्स देख रही है कि जहाँ पे वो अपनी सिर्फ छोटी छोटी रैलियाँ कर सकें। और रही आप मेरी बात, देखिए मैं ज़रूर पंजाबी समाज से आता हूँ, पर हम 36 बिरादरी को एक साथ लेकर के चलना चाहते हैं। और भीमनगर वासी सब जानते हैं, लेकिन कई बार होता क्या है, धर्म संकट भी होता है, लोग पहले से जुड़े होते हैं। और मेरे को लगता है इस बार लोग साइलेंट बन करके, समझदार होकर के, विवेक से काम लेने वाले हैं। और आने वाली 5 अक्टूबर को वैलेट नंबर 6 पर कलम के निशान पर ज़्यादा से ज़्यादा वोट डालने वाले हैं। जी, हमारे साथ पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव हमारे बीच मौजूद हैं। कैसे दिख रहे हैं विक्रांत जी? आज आप सेक्टर 14 के मार्केट पहुँचे हैं और यहाँ पर तमाम आपके साथी लोगों से आशीर्वाद के लिए अपना जन समर्थन मांग रहे हैं। और ये अभी जिस प्रकार से नितिन गडकरी को लेकर चर्चा की, और भी नेताएं भी आ रहे हैं और भी आएंगे, तो इन सब चीज़ों को कैसे देख रहे हैं कि आज जनसेवक क्रांति पार्टी कैसे सभी राजनीतिक पार्टी और राजनेताओं को समझ रही है और उनके बीच में अपना चुनाव दमखम से लड़ रही है? देखिए, सबसे पहले मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी दर्शकों को नमस्कार करना चाहूँगा। मैं आपकी भी सराहना करूँगा, आपने हमारे डोर टू डोर कैंपेन में आकर के इसे कवर करना भी चाहा और एक मुख्य सवाल पूछा। अब जब हम बात गुड़गांव के चुनाव की करते हैं स्पेसिफिकली, तो ये गुड़गांव का चुनाव बहुत महंगा हो गया साहब। मैं तो यहाँ भी सवाल उठाना चाहूँगा, क्या इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के लोग सो रहे हैं? क्या गाइडलाइंस सिर्फ कागज़ पे लिखने के लिए हैं? क्या चुनाव प्रचार पे कितना पैसा खर्च होता है, ये इवैल्यूएशन की शक्ति उन पे नहीं है? क्या वैल्यू इंजीनियरिंग करना नहीं जानते? क्या कॉस्टिंग करना नहीं जानते? या सिर्फ कागज़ पे लिख करके रजिस्टर जो उन्हें दे दिया जाएगा, जो एक फॉर्मेलिटी की तरह एक अलमारी में बंद करके रख दिया जाएगा, उसी पर आधारित है? या वो भी उन सबके साथ हैं जो आज गुरुग्राम में झूठ फैलाने का काम कर रहे हैं? ये गुड़गांव सब जानता है साहब, यहाँ की गुड़गांव की जनता सब जानती है। पिछली 4 दिवाली कूड़े पे मना चुकी है, अब इनके झांसे में नहीं आने वाली। जरूर कल परिवहन और राजमार्ग के जो मंत्रालय के भारत सरकार के हमारे मंत्री हैं नितिन गडकरी जी, वो भीमनगर के गुड़गांव में आ रहे हैं। जैसा अभी भाई अंकित ने भी बताया था, 700-800 लोगों के ग्राउंड में, इससे पता चलता है भीड़ जुटाने में वो सक्षम नहीं है। पहले हुआ करता था, जब एक वेव होती थी, जब एक आंधी होती थी, मोदी के नाम पे चुनाव लड़ा जाता था, तो वो ऐसे ग्राउंड देखा करते 10,000, 15,000, 20,000 लोग हुआ करते थे। जब मंत्रालय से कोई आया करता था तो वहाँ पर हेलीकॉप्टर से लैंडिंग होया करती थी, वहाँ पर बसें भर भर के आया करेगी। आज वो इनोवा जैसी गाड़ियों में भी लोगों को जुटा पाने में असमर्थ हैं। आप देखिए चुनाव कहाँ पहुँच गया है और पैसों का बोलबाला है। एक छोटे से रामलीला मंच का सहारा लिया जा रहा है, रामलीला कमेटी से निवेदन किया जा रहा है कि इस ग्राउंड को भरने में हमें मदद कीजिए। वहाँ के प्रधान को भी अपने साथ मिला दिया गया है। तो आप देखिए गुड़गांव का आलम किस प्रकार का है, लोग जानते हैं, लोग त्रस्त हैं, लोगों को मूलभूत सुविधाएं मिल नहीं रही हैं। लोगों गुड़गांव की जो कॉलोनी है, हर कॉलोनी की हर गली में लोग आज इस चीज़ पर सवाल उठा रहे हैं कि साहब आप कहते हो अब की बार। अब हम भी पूछना चाहते हैं आखिर कितनी बार। तो ये एक बहुत बड़ा सवाल बन चुका है। कैसे, जैसे जिस प्रकार से जो समस्याएं हैं, अब जैसे आज़ाद उम्मीदवार हैं और आप देख रहे हैं आचार संहिता चल रही है, लोगों की होर्डिंग बोर्डिंग, अब तो बैलूम आसमान में उड़ रहे हैं, तो इसका क्या क्राइटेरिया है? क्या वो उनके क्राइटेरिया में आता है? कहीं उससे बाहर कैसे निकलेंगे, उससे कैसे उसके अंतर्गत आएंगे? तो ये चीज़ आप पर भी लागू करती है, उन पर भी करती है? बिल्कुल लागू करती है, बिल्कुल लागू। लोगों के पास एक साथ में 50-50 गाड़ियाँ चल रही हैं, 20-20 गाड़ियाँ चल रही हैं, क्या इलेक्शन कमीशन इस पर ध्यान दे रहा है? देखिए, यही तो मैंने मुख्य सवाल उठाया। और आपने जब बोला अभी बैलून, तो हर चीज़ की परमिशन है, और जो आदमी परमिशन के साथ काम कर रहा है, उस परमिशन में वो क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, कितना कर रहा है, उसको डालना होता है। अगर वो उसे डालता है तो वो सार्वजनिक करता है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को फाइल देता है कि मैं ये काम कर रहा हूँ। और ये तो उन लोगों का काम है ये चेक करना, क्या क्या हमारे शहर में हो रहा है, क्या क्या हमारे को ट्रांसपेरेंटली लिख करके दिया गया, किसकी परमिशन ली गई है, कितनी चीज़ों की ली गई है और कितनी चीज़ें चल रही हैं। तो ये लोगों को भी समझना होगा, क्या बड़े बड़े नाम, बड़े बड़े ब्रांडेड पार्टियों को सब कुछ करने का हक होता है और जो प्रोटोकॉल्स होते हैं वो सिर्फ कागज़ पर लिखने के लिए होते हैं। राजनीति के समय पर एक बड़ा एक चर्चा का विषय बन जाता है कि फ्लैक्स फाड़ो अभियान,
सभी राजनीतिक दल और लोग एक दूसरे के फ्लैक्स फाड़ते हैं, क्या जनसेवक क्रांति पार्टी के भी फ्लैक्स फाड़े जा रहे हैं, हटाए जा रहे हैं? देखिए, मैं दोषारोपण की राजनीति में नहीं जाना चाहूँगा, और हम तो हमेशा से कहते आए हैं, हम पढ़े लिखे की अगर बात करते हैं, हम कहते हैं पढ़े लिखों की पार्टी है ये, तो इन सारी चीज़ों में नहीं जाएंगे। हम तो ऐसा भी नहीं करते कि उनकी कमियाँ गिनवाएं। देखिए, कमियाँ मूलभूत सुविधाओं की हैं जो जनता को मिलनी चाहिए, जनता के लिए आवाज़ ज़रूर उठाएंगे, लेकिन अपनी लाइन बड़ी करेंगे ना, अपने ब्लूप्रिंट के बारे में डिस्कस करेंगे ना, अपनी अच्छी बात बताएंगे ना, अपनी यूएसपीज गिनवाएंगे। 5 तारीख को उनका नाम खराब करके अगर हमें कुछ हासिल होगा तो वो बहुत कम टाइम के लिए और बहुत कम मात्रा में होगा। ऐसी राजनीति आज़ादी से यहाँ चलती आ रही है, लेकिन हम ऐसी राजनीति नहीं करना चाहते हैं। 5 तारीख को चुनाव होगा, मतदान होगा, कैसे देख रहे हैं कि वहाँ उसके लिए क्या अपील करते हैं? ये जो चुनाव है ना, ये चुनाव किन्हीं 3 उम्मीदवारों के, किन्हीं 4 उम्मीदवारों के बीच नहीं है, ये चुनाव 21 उम्मीदवारों के बीच है। पहले तो जनता को ये समझना होगा, क्योंकि 21 लोगों का नामांकन एक्सेप्ट हुआ है गुड़गांव विधानसभा में, एक बात। दूसरी बात, ये चुनाव इस बार 21 उम्मीदवार नहीं लड़ रहे, गुड़गांव की जनता लड़ रही है। ये 14 सेक्टर मार्केट में हम हैं, 14 सेक्टर की मार्केट लड़ रही है। यही 14 सेक्टर की मार्केट थी आज से 1 साल पहले, जब ये कूड़े से भरी हुई थी। और क्या रीज़न था कि कर्मचारी हड़ताल पे हैं और सरकार का समन्वय नहीं बन रहा कि वो कूड़ा उठवा पाए या कोई अल्टरनेट वहाँ पे प्रोसेस ला पाए या अल्टरनेट कोई ऐसी सिचुएशन ला पाए कि सदर बाजार या फिर 14 सेक्टर जैसी मार्केट यहाँ पर कूड़ा उठाया जा सके। आज जब ये सब लोग उन सारी बातों को याद करेंगे तो आप सोचिए या फिर ये लोग सोचें, क्या वोट डालेंगे? और मैं इन सब लोगों से भी अपील करना चाहूँगा, साहब जो 5 साल बीते हैं उन्हें भूल ना जाना। कैसे कूड़े में दिवालियाँ मनाई, कैसे ग्राहक यहाँ पर एंटर नहीं हो पाते, कैसे सदर बाजार के चारों तरफ के रास्ते बंद हैं क्योंकि यूटर्न्स तो है नहीं, ऑनलाइन का ज़माना है, व्यापारी परेशान है, ग्राहक आए तो कैसे। इन सारी चीज़ों को सबको याद रखना होगा, मूलभूत सुविधाओं की जो खामी है उनको याद रखना होगा, सदर बाजार में एंट्री नहीं होती उसको याद रखना होगा, पानी नहीं आता याद रखना होगा, गंदा आता याद रखना होगा, तब बटन दबाना होगा। और मैं फिर से ये बात कहना चाहूँगा, आप सब लोगों ने बहुत बार नेता चुने हैं, इस बार नेता नहीं जनसेवक को चुने। बैलेट नंबर 6 का बटन दबाएं, एक ईमानदार, एक साधारण, आप देखिए साधारण से मैं क्या कहना चाहता हूँ, उम्मीदवार हमारे गुड़गांव में ऐसे भी हैं जो 94 करोड़ के एसेट्स नॉमिनेशन फॉर्म 26 में दिखा रहे हैं और फिर भी हम कह रहे हैं कि वो हमारी बिरादरी के हैं, कितने साधारण हैं वो और थे कहाँ पिछले 5 साल से, ये एक सवाल है जनता पूछ रही है, उन्हें जनता के बीच आना चाहिए, जनता के सवालों के जवाब देने चाहिए। एक ऐसा साधारण आदमी, भाई अंकित अलग की बात करूं, जिन्होंने अपना फॉर्म 26 नॉमिनेशन, अगर मैं किसी और की बात कर रहा हूं तो अपनी भी करूंगा, 4.5-5 लाख की रिटर्न भरता है, 40 गज 70 गज जैसे मकानों में रहता है, जिसे ये भी अनुभव है कि अगर घरों में कमरों में सीलन आ जाती है तो जिंदगी कैसे व्यतीत होती है, जो ऐसे परिवार से आता है जिस परिवार ने पुराने कपड़े अगर दिए हों उसके बदले में बर्तन लिए हों, ऐसे परिवार से आता है, तो समस्याओं को उन्हें अनुभव ही नहीं है, समस्याओं को उन्हें जिया है। आप सबके बीच रहते हैं, रोड पे खड़े होकर गोलगप्पे भी खाते हैं। आपने मुझे बताइए, जितने बड़े बड़े नाम और ब्रांडेड पार्टी के आप लोग देख रहे हैं, कौन सा आदमी आपको रोड पे खड़ा हुआ नज़र आता है? मुकेश को तो देखा है आपने, देखा है आप मुकेश को पसंद करते हैं? नहीं, मैं नहीं करता, पहले बता रहा हूँ। कोई बात नहीं, आपका व्यक्तिगत रूप से आप ये कह सकते हैं मुकेश को देखा है, लेकिन साहब आपके चैनल के माध्यम से चुनाव को अभी लगभग 10-12 दिन है, भाई अंकित अलग या मैं भी व्यक्तिगत रूप से आपके चैनल के माध्यम से फिर से कहना चाहूँगा, मुकेश जी को आमंत्रित करता हूँ, आए गुरुग्राम के डिबेट आपके चैनल पे, आपके साथ आप होस्ट कीजिए, डिस्कस करते हैं, कितना सवालों के जवाब वो दे पाएंगे ये जनता तय करेगी। हमारे साथ जनसेवक क्रांति पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव मौजूद विक्रांत मक्कड़ का कहना है, अंकित अलग एक जनसेवक क्रांति पार्टी का एक वो प्रत्याशी है जो कि ऐसा जीवन जिया, जिसने संघर्ष का जीवन जिया, जिन्होंने कपड़े बेचकर अपने घर को चलाया, तमाम ऐसी सारी चीज़ें। उनका कहना है कि हम गुरुराम विधानसभा को एक अच्छी विधानसभा बनाना चाहते हैं, जो मूलभूत सुख सुविधाएँ जो मिलनी चाहिए वो अभी तक नहीं मिली हैं, वह हम देना चाहते हैं। चुनाव में अब कोई 10 दिन बकाया है, 5 तारीख को मतदान होना है, तमाम लोग अपनी इन सभी राजनीतिक पार्टियां और नेता लोग अपनी अपनी ताकत झोंक रहे हैं। उसी प्रकार से जनसेवक क्रांति पार्टी के प्रत्याशी अंकित अलग भी अपनी ताकत लगा रहे हैं, सेक्टर 14 की मार्केट में लोगों से आज जन समर्थन की
मांग कर रहे हैं और अपने मतदान करने के लिए अपील जनता से कर रहे हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं। देखना होगा कि ये जीत का ताज 8 तारीख को किसके सिर पर सजेगा। जब तक के लिए देखते रहें नव समाचार, बेबाक खबर हर समय। धन्यवाद।